नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं कास्ट ऑडिटर वीरेंद्र यादव। इनकी कास्ट पर जबरदस्त पकड़ है बिहार की। कहते हैं कि किसी भी नेता को अगर चुनाव लड़ना हो या किसी को चुनाव लड़वाना हो तो एक बार वीरेंद्र यादव से जरूर मुलाकात करें। ये जातीय गणना बहुत ज़बरदस्त करते हैं, कौन सी लोकसभा सीट में कितने वोटर किस जाति के हैं, उस किसी भी उम्मीदवार को जीतने हारने के लिए कौन सी जाति के वोटर इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये तमाम बातें इनकी जानकारी इनके पास है। इनकी एक बुक भी है और ये लगातार एक पत्रिका भी निकालते हैं जो जिसकी जातीय पकड़ बहुत ही अच्छी है। अगर आप भी चाहें तो वो किताब इनसे खरीद सकते हैं। खैर, हम आज इसलिए बैठे हैं कि हम एनडीए ने जो सीटों उम्मीदवारों के नामों का चयन किया है इसमें कौन सी जाति के कितने कैंडिडेट हैं, किस जाति पर उन्होंने पूरा गेम खेला है, किस जाति को उन्होंने दरकिनार किया है, किस जाति को लेकर वो सामने आए हैं और उनकी आगे की रणनीति यहाँ से क्या है, क्योंकि एनडीए के घटक दल तीन हैं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। यहाँ से जेडीयू की रणनीति किस तरफ जा रही है, यहाँ से बीजेपी की रणनीति किस तरफ जा रही है और एलजेपी आगे क्या करने वाली, ये तमाम बातें हम इनसे जानेंगे। पहले तो सबसे पहली बात वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, खगड़िया की अभी नहीं हुई है और रह गई है, इसको जब एक बार सरसरी नज़र से आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? अभी तक जो अभी सीट जारी हुई है, जो सूची जारी हुई भाजपा की, एनडीए की जारी, वो 7 राजपूत हैं, 5 यादव हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 3 भूमिहार हैं, 3 बनिया हैं, 6 अति पिछड़ा हैं, दलित सीट रिजर्व 6 हैं वो हैं, इसके अलावा 3 कुशवाहा हैं, 1 कायस्थ हैं, 1 कुर्मी है, 1 मुसलमान है, 1 दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, गोस्वामी गिरी जाति से आती हैं, जाति मूलतः गिरी है, सरनेम गोस्वामी इनका है। पहले ये जाति समान श्रेणी में थी लेकिन करीब 4-5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने इसको पिछड़ा वर्ग में शामिल किया था। तो ये जैसे पहली बार में आपने जब अपनी नज़रिए से इसे देखा होगा तो आपको क्या लगा कि इस तरीके से सिटिंग कैंडिडेट्स को जो चुना गया, किस बातों को ध्यान में रखा है एनडीए ने? दो चीज़ थी, भाजपा का 16 जो सदस्य मिले हैं उन्हें 14 सीट उन्होंने रिपीट कर दिया है, ठीक है, सिर्फ 3 नए लोगों को दिया है, उसमें जाति का ध्यान रखा है, मधुबनी से यादव थे, यादव मिला है, उसके बाद पटना साहिब कायस्थ थे, कायस्थ को मिला है, दरभंगा में ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को मिला है। भाजपा ने पुराने जाति समीकरण कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, यथावत अगर उम्मीदवार बदला भी है जाति नहीं बदली उनकी, जाति वही रखा, ठीक है। जदयू ने जब नए प्रयोग किए तो उसके 2 अपने MP हैं, अभी जो सिटिंग MP हैं उनके कौशलेंद्र कुमार नालंदा से और संतोष कुशवाहा पूर्णिया से, बाकी 15 उन्होंने नए उम्मीदवार लाए हैं मैदान में। उन नए में नीतीश कुमार जी ने करीब 15 जो नए उम्मीदवार हैं उसमें 4 अति पिछड़ी जाति के हैं, मतलब उन्होंने अति पिछड़ा पर ज़्यादा विश्वास किया है, जबकि भाजपा ने राजपूत और यादव पर ज़्यादा विश्वास किया है, यादवों को भी जगह दी है अच्छी खासी, मतलब एनडीए कुल मिला के, जैसे एनडीए ने कुल 7 उम्मीदवार राजपूत हैं, ये बताता है कि अगर 39 में 7 हैं तो उनका ज़्यादा विश्वास उस जाति पे है। उसके बाद यादव 5 उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो यादव जो कि आमतौर पर लालू यादव का सपोर्ट माना जाता है, RJD का बेस सपोर्ट माना जाता है, उसको भी आकर्षित करने के लिए, उस पर अपनी डोरे डालने के लिए भाजपा ने नया प्रयोग शुरू किया है। हालांकि प्रयोग पुराना ही था उसका, पीछे बहुत ही जम पाया था 2014 में, लेकिन इसको नए सिरे से नए ढांचे में भाजपा फिर लेकर आ रही है, ताकि जो लालू यादव से नाराज वोट हो रहा है, यादव वोटर नाराज हो रहा है, छिटक रहे हैं उसको बांध सके। ये कितना सफल होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा का प्रयास ये है कि राजपूत और यादव ऐसी जातियां हैं जो वोट भी करती हैं, उनकी आबादी भी है और बूथ पकड़ भी उनकी है, इसके माध्यम से अपनी वोट संख्या बढ़ा लें, भाजपा की कोशिश है, भाजपा के एनडीए की भी कोशिश है। फिर जो एक जो अति पिछड़ी जाति होती है, अति पिछड़ी जाति बहुत किसी बंधी हुई नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ जाती है, फ्लक्चुएट वोटर है, तो नीतीश कुमार ने उसको भी बांधने का साधने की कोशिश किया है, मतलब 4 जो सीट दिए उन्होंने अति, मतलब खुद भाजपा के 2 उम्मीदवार अति पिछड़ा के हैं और ये 4 जदयू के हैं। चलिए मैं हम इनके बारे में पूछेंगे। एक और फैक्टर होता है जो आप मुझे पहले बता रहे थे कि एक B3 फैक्टर बहुत काम करता है, तो क्या इस B3 फैक्टर का एनडीए में ध्यान रखा गया क्या, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य? हम B3 की मैं बात कर रहा था, B3 मतलब जो मेरा अपना धारणा था, B3 मतलब ब्राह्मण, भूमिहार और बनिया, ये भाजपा के बेस वोट माने जाते हैं, लोग मानते हैं कि भाजपा की आधार वोट ही 3 जातियाँ हैं जो लगातार इसे बंधी रहती हैं, लेकिन इस चुनाव इस टिकट बंटवारे में उनको ज़्यादा तरजीह नहीं मिली, उनके कुल 8 उम्मीदवार दिए हैं भाजपा ने, दोनों मिलाकर दोनों पार्टियों ने, 2 ब्राह्मण, 3 भूमिहार और 3 बनिया, यही B3 हैं, मतलब बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार।
तो बता दें आपको, जो 8 उम्मीदवार बिथरी के हैं भाजपा के, मतलब एनडीए के, उसमें ब्राह्मण हैं 2, गोपालगंज गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से और अश्विनी चौबे बक्सर से, दोनों भाजपा के हैं। भूमिहार 3 हैं, इस तीनों पार्टियों ने टिकट दिया भूमिहार को, एक 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 ही सीट है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से भाजपा के, ललन सिंह मुंगेर से जदयू के और चंद्र कुमार नवादा से एलजेपी के। जहाँ तक बनिया वोटों की बात है, बनिया में कुल 3 जातियाँ इसमें हैं, 3 उम्मीदवार 2 जाति के हैं, संजय जायसवाल और रमा देवी, दोनों एक ही कास्ट के हैं, जायसवाल जाति के आती हैं। संजय जायसवाल को टिकट मिला पश्चिम चंपारण से, वो भी बीजेपी के हैं, और रमा देवी को टिकट मिला शिवहर से, वो भी बीजेपी के हैं, वही दोनों एमपीपी हैं। जो नया प्रयोग किया भाजपा ने, ये जदयू ने सीतामढ़ी में, जदयू ने वरुण कुमार को टिकट दिया जो सोड़ी जाति के, जो बनी जाति में आती है, ये हो गया। तो क्या ये फैक्टर का एनडीए ने पिछली बार चूंकि जेडीयू उनके साथ नहीं थे, क्या ये बीजेपी के नज़रिए से यह फैक्टर अभी भी मायने रख रहा है या इसमें भी ऊपर नीचे हो गया है बीजेपी से? नहीं, जो बीजेपी का जो बोले कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, जो सीटें काटी थी उसको उम्मीदवार काट दिए, बाकी जो उम्मीदवार थे उनके यथावत बचे गए। तो भाजपा ने बहुत प्रयोग नहीं किया, प्रयोग करने का विकल्प सिर्फ जदयू के पास। तो क्या भाजपा ने सीट शेयरिंग में जानबूझकर वो सीटें उस तरफ की जिससे कि वो नए प्रयोग से बच सके? आप इसको ये कह सकते हैं कि भाजपा ने सवर्ण वोटरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि अति पिछड़ा को नीतीश खेमे में डाल दिया। लेकिन सवर्ण वोटर कैसे जुड़ेंगे जब उनके पास भूमिहार में से सिर्फ 3 कैंडिडेट निकल कर सामने आए 39 सीटों में से, ब्राह्मण में से 2 और बनिया में से 3, तो फिर ये सवर्ण समाज से जुड़ेगा कैसे? भूमिहारों का जो चरित्र है बिहार में, एक भूमिहार लैंड है जो 4 क्षेत्र पड़ता लोकसभा का, बेगूसराय, मुंगेर, नवादा और जहानाबाद, जहाँ मानते हैं डोमिनेट कास्ट में भूमिहार है, लोग जीतते भी रहे हैं और भूमिहार के जीते रहे जो भी भूमिहार जीते आमतौर पर इसी क्षेत्र से जीते हैं। तो 3 में 3 भूमिहार दे दिए भाजपा ने, मैंने भाजपा में 2 तो तीनों अलग अलग एनडीए ने तो साधे कोशिश किया ही है, लेकिन चूंकि उनके सिर्फ 40 सीटें जहाँ भूमिहार प्रयोग कर सकते हैं और किया है उन्होंने जितना संभव था किया अधिकतम, लेकिन भूमिहार भाग जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जाके भाग जाएंगे भी कहाँ, हो विकल्प क्या उनके साथ में है? भाजपा से बंधे रहने की मजबूरी भी है या उनकी अपनी राजनीतिक जरूरत भी है, दोनों। मतलब आपका कहना यह है कि B3 फैक्टर जो है, हाँ, उसके पास एनडीए के अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं है, हाँ, उनके पास या तो घर में बैठ जाए, हाँ, या वोट डाले। तो अगर वो वोट नहीं डालते तो भी तो वो इम्पैक्टफुल होगा, हाँ, तो प्रभाव जरूर, क्योंकि वोट तो इन्हीं का कटेगा। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं अति पिछड़ा वर्ग की। जी, अति पिछड़े से कितने कैंडिडेट दिए हैं एनडीए ने और इसमें किस बातों का ध्यान रखा है इन्होंने? अति पिछड़े में 6 टिकट दिए दोनों पार्टियों ने मिलाकर, उसमें एक तो वर्तमान सांसद हैं अजय निषाद मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर भाजपा ने टिकट दिया है। एक नया दिया है भाजपा ने प्रदीप सिंह को अररिया से, ये पहले एमपी थे, इस बार चुनाव बीच में चुनाव हार गए थे, फिर टिकट दिया भाजपा ने। ये 2 सीट भाजपा ने दिए हैं, अररिया और मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा को। जदयू ने 4 सीट दिए हैं अति पिछड़ा को, वो रामप्रीत मंडल हैं झंझारपुर से, दिलेश्वर कामत हैं सुपौल से, अजय मंडल है भागलपुर से और चंद्रशेखर चंद्रवंशी है जहानाबाद से। ये 4 सीटें हैं जो अति पिछड़ा को दिया नीतीश कुमार ने, उसमें एक तो दक्षिण बिहार का हो गया और 3 सीटें उत्तर बिहार की हैं। जो जहानाबाद सीट है, जो गया एरिया, जो मगध का एरिया है, वहाँ पर कहार जाति की ज़्यादा आबादी है, उसको माना ज़्यादा ही मतलब कि प्रभावी माना जाता है अति पिछड़ा में, तो उसको साधने के लिए नीतीश कुमार ने तो टिकट दिया कहार को, ताकि उस इलाके का जो कहार वोट है जदयू से बन जाए। और जो अन्य जाति हैं, ये टिकट दिया प्रदीप, ये रामप्रीत मंडल को, दिलेश्वर कामत को, अजय मंडल को, तीनों लगभग उसी दक्षिण उत्तरी बिहार के हैं। तो वहाँ भी जातियों को, जैसे कि गंगोत्सव टिकट मिला है, यहाँ पे क्या नाम है आपका, ये अजय मंडल को दिया भागलपुर से, अभी जो जदयू के आरजेडी के सांसद हैं शैलेश कुमार, गंगोत्सव ही हैं, उन्हें जाति से जाति को काटने का प्रयास किया गया है। तो जैसे अभी आपने बात की अजय मंडल की, जेडीयू ने टिकट दिया, भागलपुर का सीट तो काफ़ी मायने रखता था पहले, शाहनवाज हुसैन, मुस्लिम वोटर्स भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद अभी यह प्रयोग जो जेडीयू ने वो सीट ले ली और बुलो मंडल की काट में उन्होंने अजय मंडल को चुनाव लड़ाने के लिए, तो क्या यहाँ जातीय फैक्टर एनडीए के पक्ष में होगा? दोनों अच्छी दावा दी है गंगोदा को, भागलपुर प्रॉपर क्षेत्र में पहले से जीते हुए हैं, तो गंगोदा वोट काट के कुछ लाभ उठा लें हम, यही प्रयास नीतीश कुमार का या जदयू का या एनडीए का भी कह सकते हैं उसको आप, मतलब जाति से जाति को काटो। जो इन कोशिश यह है कि एनडीए के जो वोटर थे वो एनडीए के वोटर तो रहेंगे ही, साथ में जो मंडल आबादी थी उसके वोटर्स को काट लिया जाए, हाँ। ताकि बुलो मंडल के लिए सीट मुश्किल हो जाए। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। इसके बाद इन जो 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है, इसमें से
दलित कितने हैं? दलित तो छः हैं जी, छः तो तीन तो पासवान जी की रिजर्व है, मतलब तीन सीट मत रिजर्व, हाजीपुर, जम्मू और समस्तीपुर, समस्तीपुर तीनों में, एक हाजीपुर से पशु परस है, जम्मू से चिराग पासवान है, रामधर पासवान है, जो तीन सीट बस्ती हैं उस तीन में दो सीट जदयू के कोटे में गई है, गोपालगंज से आलोक सुमन है और गया से विजय मांझी हैं, दोनों जदयू के उम्मीदवार हैं, और सासाराम क्षति पासवान अभी भी भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो मतलब एम पी भी हैं और उम्मीदवार हुए नए सिरे से। तो इसमें कुछ नया प्रयोग नहीं हुआ? दरअसल ये जो एक ही नया प्रयोग हुआ हाजीपुर जो खुद, आप देखिए प्रयोग नया कुछ नहीं हुआ है, जाति वही रही है, अगर भाजपा ने टिकट छोड़ा गया का तो हरी मांझी को हटा के इनको टिकट दिया, तो विजय मांझी को टिकट मिला वहाँ पर, वहाँ भी कास्ट का जवाब कास्ट से होगा, वह ये आप जो गोपालगंज है यहाँ पहले जनक चमार जीते, जनक राम जीते, उनको हटा कर फिर उसी जाति को टिकट दिया गया, पार्टी भले बदल गई हो, पहले आप भाजपा के थे, अब जदयू का हो गया सीटों, लेकिन जातियाँ नहीं बदली हैं, जातीय धावत है, और जो ये पासवान परिवार का सीट है वो तो परिवार का सीट है, रिजर्व में कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो चलिए एक और वोटर जिसके लिए अब खैर पूरी बिहार की राजनीति जानी जाती है वो है यादव वोटर्स जी, तो क्या ये यादव वोटरों के लिए कुछ नया प्रयोग एनडीए ने किया या फिर से बीजेपी ने तो खैर वही किया जो उनका चला आ रहा था, क्या जेडीयू ने इस बार साधने के लिए नई कोशिश की है? कोई नहीं, इतना सीट भले जीते रहते यादव, जो दो सीट ये जो दोनों जो एमपी हैं धीरेन्द्र यादव, गिरधारी यादव, एक मतलब पूरा से बांका से, दोनों पहले एमपी रह चुके हैं, जदयू के एमपी रह चुके हैं, तो इसी में नया कोई प्रयोग कुछ नहीं है इनके लिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी आबादी है, दो सीट दरा मजबूरी उनकी है, और भाजपा तीन पहले से ही थे, और जो सीटें मिली अभी भाजपा यादवों को बिहार में वो सीट पांच सीटें हैं, तीन सीट भाजपा की है, जो अभी सिटिंग एमपी हैं नित्यानंद राय उजियारपुर से, जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं, रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री हैं पाटलिपुत्र से, और अशोक यादव मधुबनी, ये अशोक यादव हुकुमदुराना यादव के पुत्र हैं, जो पिछले बार एमपी थे, जो अभी एमपी हैं, उन्होंने बाप की जगह पे बिलोंग कर दिया उन्होंने, तो ये और दो सीटें हो गई अपनी बांका से गिरधारी यादव और मधेपुरा से धीरेन्द्र यादव। ठीक है, इसके अलावा एक और वोटर जो जिनकी चर्चा बिहार की राजनीति में बहुत होती है, कुर्मी वोटर्स, कुर्मी बेचारे एक अगली सीट है कुर्मी के लिए, इकलौती सीट दी गई है एनडीए, मतलब एनडीए वो भी नीतीश कुमार को दी गई है, कुर्मी उसे नालंदा का है, जो कि मानते हैं कि कुर्मी डोमिनेटेड क्षेत्र है, नीतीश कुमार का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, होम क्षेत्र, इसलिए कुर्मी की सीट गई, एक सीट जरूरी दिया मुसलमान को भी किशनगंज से, महमूद अशरफ जी हैं उनको टिकट मिला है किशनगंज से, अभी जो दुलाचंद गोस्वामी हैं जो गिरी जाति से आते हैं, जो पहले की सवर्ण जाति में थे, अब हाल के दिनों में पिछड़ा में लाया गया उनको, टिकट मिला कटिहार से, तो ये तीन जातियाँ हो गई। ठीक है, इसके अलावा एक और कास्ट बच जा रही है आपकी, तो कास्ट भी एक ही मात्र सीट पहले से भी थी भाजपा के पास में, वो भी भाजपा के पटना साहिब सीट थी, कास्ट के जवाब मैंने जाति पार्टियां फल बदल गई हों लेकिन जाति नहीं बदली, उम्मीदवार फल बदल गए हों उनकी कास्ट नहीं बदली, जाति हाँ। बनी हुई है, ये जो फैक्टर है ना रविशंकर बिल्कुल। एक और जो पहले एनडीए में घटक दल थी आरएलएसपी, कुशवाहा के वोटर्स को काटने के लिए एनडीए ने इस बार क्या किया है? देखिए दर्शक, ये बहुत ज्यादा प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार, उनका जो लौकु समीकरण था, मतलब कुशवाहा और कुर्मी समीकरण था, उसके आधार पे कुशवाहा को जोर रखने की मजबूरी हुई, आज भी करीब दर्शन जितने उनके विधायक उसमें 11 अकेले कुशवाहा जाति के विधायक हैं, सबसे ज़्यादा विधायक आज कुशवाहा उस पार्टी में, नीतीश कुमार की पार्टी में सबसे ज़्यादा अगर कोई जाति के विधायक हैं तो कुशवाहा हैं, तो कुशवाहा वोट उससे पहले से भी था, जुड़ा हुआ था, उसको अपना मानते भी रहे हैं, जो तीन टिकट दिया उन्होंने कुशवाहा को, वाल्मीकि नगर से बैद्यनाथ महतो को, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जो अभी खुद एमपी भी हैं, और महाबली सिंह काराकाट से मिला टिकट मिला है जदयू के हैं, ये महाबली सिंह और बैद्यनाथ महतो पहले एमपी रह चुके हैं, इनके मतलब आजमाए हुए मतलब उम्मीदवार हैं, और संतोष कुमार तो पिछली बार भाजपा में जीते थे, जदयू से और आज भी जदयू में हैं, इसमें एक उम्मीदवार पुराने हो गए और दो नए आए हैं, लेकिन तीनों के तीनों दो तो पूर्व एमपी रह चुके हैं, एक तो वर्तमान एमपी है ये है। ठीक है, जैसे आपने पूरा ये हमें एक बचा हुआ है काफी, राजपूत की संख्या बची हुई है, क्योंकि आज की तारीख में भाजपा के लिए सबसे प्राथमिकता की जाति राजपूत हो गई है, पहले भी थी, पिछली बार भी ज़्यादा उम्मीदवार जीते थे चुनाव, लेकिन इस बार भाजपा ने जो टिकट काटे हैं लोकसभा चुनाव में, जिन पाँच सीटों को भाजपा ने छोड़ा है उसमें कोई भी राजपूत नहीं था, मतलब ये अनकट रह गया भाजपा, राजपूत जाति भाजपा में अनकट रह गई, उसके एक भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया था, और जहाँ थे तो वहाँ सीट भी काटा गया होता है, जहाँ जिनका सीट कट गया जाति कट गई उनकी, उन सीट कटी उनकी और सीट जाति भी यथावत बचे रह गई, तो अभी कुल सात उम्मीदवार, सात राजपूत अभी हैं इसमें आपके ये गठबंधन में एनडीए में, पाँच पाँच तो भाजपा के ही हैं, उसमें राधा मोहन सिंह हैं पूर्वी चंपारण से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं महाराजगंज से, राजू प्रताप रूढ़ी हैं सारण से,
आर के सिंह हैं आरा से, आरा से वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये भी केंद्रीय मंत्री हैं राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री, और सुशील सिंह औरंगाबाद से हैं। ये पांच हो गए राजपूत भाजपा में, और एक वीणा सिंह वैशाली चुनाव लड़ रही है लोजपा टिकट पर, और कविता सिंह लड़ रही चुनाव सिवान से। कविता सिंह फिलहाल विधायक भी हैं वो उसी किसी क्षेत्र से सिवान जिले के। ये पांच सात सीट राजपूत हो गए, राधा मोहन सिंह, राधा सिंह सिंगरीवाल, राजीव प्रताप रूढ़ी, आर के सिंह और सुशील सिंह जो भाजपा के टिकट पे, वीणा सिंह एलजीपी के टिकट पे, और कविता सिंह जदयू। ठीक है, एक और मेरा सवाल है कि जैसे आपने तमाम जातियाँ बता दी कि कौन कौन सी जाति से कौन कौन से उम्मीदवार आते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट में तो कुछ नया प्रयोग नहीं है, लेकिन जेडीयू ने मोस्टली नए उम्मीदवार उतारे हैं, तो क्या एलजेपी ने नए उम्मीदवार दिए? तो क्या जेडीयू और एलजेपी के ये उम्मीदवार जातीय वाइज महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार दिए जाएं, क्या उन्हें उन सीटों में टक्कर दे पाएंगे? अब सवाल है कि ये टिकट वो टिकट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये तो उनका खड़ा हो गया हमारा ये उम्मीदवार है, ठीक है, आपका कौन आता है वो टक्कर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? नहीं, जैसे आपने इसकी पूरी गणना करके हमें बताया कि वहाँ से उस जाति की प्रधानता के आधार पर छेड़छाड़ नहीं किया गया, टिकट दिया गया, तो वह पार्टी भी मोस्टली ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनेगी। तो अभी जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है, क्या ये अपने क्षेत्र में प्रभाव डाल पाएंगे वोटरों पर? देखो, जो पार्टी टिकट देती है किसी को भी, वो मान देती है हमारा उम्मीदवार मजबूत है, चाहे वोट के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से, जिस आधार से भी मजबूत हो। तो इसलिए कहना है कि टिकट दे पाएगा नहीं दे पाएगा पार्टी, देती इसलिए आप टिकट दीजिए सामने वाले को, लगता है कि अगर किसी को हम दे रहे हैं टिकट तो मानती है पार्टी, मानती है कि हम इसको चुनाव दे रहे जीतने के लिए, टक्कर सभी लोग मैदान में आ रहे हैं तो देंगे नहीं, तो सवाल नहीं, तो हर कोई टक्कर के लिए चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सिर्फ एनडीए में एक ही मुस्लिम, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो मजबूरी है, मुस्लिम जो जिस सीट से दिया गया किशनगंज से वहाँ कुछ खड़ा नहीं हो सकता। आप ये कहे कि मजबूरी के में जदयू ने टिकट दिया है मुसलमान को? नहीं, एक सीट तो और थी जिसको इन्होंने इनके खाते में ही नहीं दिया। कौन सीट? भागलपुर की सीट थी, वो जेडीयू के खाते में चली गई, मतलब टिकट उनको मिलता है, गारंटी नहीं थी कि टिकट उन्हीं को टिकट मिलता भागलपुर जाती सीट, तो अभी क्योंकि भाषण का प्रयोग ही नहीं किया, छोड़ दिया था जो जहाँ थी, तो जो सीटें खाली थी उसमें मिल गया इनको, तो ये जो प्रयोग किया जदयू ने वो प्रयोग नहीं है किशनगंज में, मजबूरी थी टिकट दें उनको, एनडीए गठबंधन की मजबूरी थी कि किशनगंज में उन्हें मुस्लिम ही, अगर यह मजबूरी नहीं होती तो मे भी यहाँ से कैंडिडेट कोई और भी हो सकता था। अब ये करो आपसे, जो लोजपा अपनी पार्टी है, लोजपा ने टिकट दिया, पांच घोषणा किए हैं, दो भूमिहार को चेंज किया, दो लोग मतलब ब्रह्मा सिंह को हटाया उनकी जगह एक राजपूत को लाया, अगर बिना देव को हटाया तो उनकी जगह भूमिहार को लाया, मतलब उम्मीदवार बदलते भले हों, जाति नहीं बदली। तो ये समझिए कि बिहार की पॉलिटिक्स में पार्टी से ज्यादा बड़ी चीज जाति हो गई है, यही बिहार की राजनीति का सच है। चलिए, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है, पूरा कास्ट एनालिसिस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सिटीज लगातार आपको चुनाव से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा है, बता रहा है, माइक्रो एनालिसिस करके बता रहा है। अभी हमने पूरा बताया आपको कि एनडीए के उम्मीदवारों की जातीय विश्लेषण क्या है, कौन सी कास्ट से ये उम्मीदवार आते हैं। आगे भी लाइव सिटी चुनाव से जुड़ी हुई कवरेज करता रहेगा, बिहार लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज कर रहा है लाइव सिटीज। आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।